अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम हेयर विद अनदर रिव्यू वीडियो। अच्छा जी, ये मैंने पार्सल, अब सोचा इसी तरह से मैं अनबॉक्सिंग करूँगी। उसकी रीज़न ये है, एक तो वो लोग जो कहते हैं स्पॉन्सर वीडियो है उनके लिए, दूसरा ये है कि मुझे अक्सर प्राइस जो है ना इधर उधर हो जाती है, तो यहाँ पे प्राइस दिखाने का भी मौका मिल जाता है और अक्सर पेज का नेम इधर उधर हो जाता है, तो उससे मुझे हेल्प मिल जाती है। सो जनाब, ये पहले मैं आपको प्राइस बता दूं। ये जी पार्सल की प्राइस है 5,260 रुपये इतनी, जिसमें आप 250 कह लें कि डिलीवरी चार्जेस कर लें, बाकी का जो है ना पार्सल की पेमेंट है, क्योंकि वहाँ पे आप ऐड टू कार्ट कर रहे होते हो तो वो पता नहीं चलता। तो ये जी 5,250 का पार्सल है। अब ये क्या है इसमें से जी, प्रोडक्ट्स O2O के मैंने, ये जी O2O के पार्सल्स हैं जो कि चेक किए जा चुके हैं। अच्छा जी, ये साथ में उन्होंने गिफ्ट भेजा था फोकोलियोर का, जो कि टिंट है, ठीक है, मैं ये भी आपको दिखाऊंगी। सो O2O के प्रोडक्ट्स काफ़ी हाइप्ड हैं, तो मैंने सोचा कुछ प्रोडक्ट्स हम चेक करते हैं, अगर ये अच्छे हुए तो हम बाकी भी इनकी रेंज ख़रीद लें, क्योंकि फिर जब मुझे कोई ब्रांड पसंद आ जाता है फिर मैं उनकी पूरी की पूरी रेंज जो है ना वो बाय करती हूँ। ओके जी, लेट्स जस्ट ओपन इट। सबसे पहले हमारे पास ये, पर इस तो इसकी पैकिंग देखें कितनी खूबसूरत है, और O2O अगेन एक का कोरियन ब्रांड है, और मुझे पहले नहीं पता था कि ये कोरियन ब्रांड है, नाम काफ़ी सुना हुआ था, लेकिन बाद में जब इसके बारे में पता चला तो ये अगेन एक कोरियन, मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि कोरियन ब्रांड्स आपको पता है ये कैसे होते हैं। सो आप ये देखें कि इसके ऊपर भी सारी की सारी जो है ना वो कोरियन चीज़ें लिखी हुई हैं, और पैकिंग इसकी आउट क्लास है भाई। कोरियन वालों ने ना पैकिंग पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। नेट वेट जो है 5.5 ग्राम है, और ये बेसिकली कंसीलर है। लेट जस्ट अप्रिशिएट द आउटर पैकेजिंग। और उनके पास और भी काफ़ी सारे कंसीलर हैं, तो मैंने कहा चलो पहले एक ट्राई करते हैं। यहाँ पे जी ये इसकी, उन्होंने ऊपर स्टिकर दिया हुआ है, यहाँ पे इसकी एक्सपायरी लिखी हुई है, 2026 है जी इसकी एक्सपायरी, ठीक है। ये बैड को उसका जो बैच नंबर है, ठीक है, मेड इन चाइना, ओके, और चाइना कोरिया एक ही, मुझे तो इनमें कोई डिफरेंस आज तक नहीं समझ आया। ये इसके ऊपर कोई शीट चढ़ी है जो कि उतारने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। कंसीलर का शेड है HCO01। HC का मतलब है हाई कवरेज, ठीक है, ये हाई कवरेज लिक्विड कंसीलर है, ठीक है। यहाँ पे अगेन वो लिखी हुई है, तो मैंने इसकी ना ये मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ, बल्कि पहले ये कुछ ब्यूटीफुल सा ब्लश है, ये लिक्विड मूज, या इट्स अ मूज ब्लश, और ये है जी इट्स अ रोज़ गोल्ड सुपर वाटरप्रूफ आईलाइनर है, और ये क्या है, ये आई थिंक कॉन्टोर है 01 शेड में, और ये इनका आईलाइनर है। मैं सबको अनबॉक्स करके दिखाती हूँ। सो जी, मैंने ये इसकी आउटर पैकिंग हटा दी है, लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द कंसीलर। ये बहुत खूबसूरत सा कंसीलर है, मतलब कोरियंस की मैं, मतलब उनके तो हर चीज़ ही बेहतरीन होती है, स्पेशली उनके मेकअप की मैं फ़ैन हूँ। और ये जी कुछ इस तरह से O2O का हाई कवरेज कंसीलर 01 शेड है, और उसके बाद ये उनका ब्लश है विच इज़ सो प्रिटी, छोटा सा, आपको पता है मुझे छोटी चीज़ें कितनी मज़े की लगती हैं, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल। ये जी सिल्की ग्लो पाउडर ब्लश है इन शेड 05 पिंक, यू कैन सी दैट। तो इसको ओपन करते हैं, खुलने पे कुछ इस तरह का है, हम इसका स्वाच करते हैं, लेट जस्ट स्वाच इट, यहीं पे कर लेते हैं। वाओ, इट्स अ वेरी बटरी, इट्स वेरी बटरी काइंड ऑफ, इट्स अ पर्पल पिंक, ये मतलब कैम पे पता नहीं कैसा लग रहा होगा, इट्स अ पर्पल पिंक शेड, ये पर्पल पिंक शेड है, और ये बहुत प्यारा शेड है। उसके बाद जनाब, और ये इट्स वेरी लॉन्ग लास्टिंग एज वेल, ठीक है, देखिए अभी भी मेरे हाथ पे है, ये ब्लेंड होगा तो कितना मज़े का लगेगा। और उसके बाद ये जी मूज ब्लश है, ठीक है, और ये भी इसका जो शेड है दैट इज़ 06, और मुझे इसका ज़ुबानी याद है नंबर, दिस इज़ द कलर बाउंस मूज ब्लश 06 डॉटिंग इसका जो है शेड। लुक एट द पैकेजिंग, इट्स सो प्रिटी, इजीली बैग में डालो और ले जाओ। ये जी अंदर से कुछ इस तरह की स्टिक है, ठीक है, और पता नहीं ओपन भी होती है कि खुलती भी है कि नहीं। अच्छा चलो, खैर ये जी इसका शेड है, बाय द वे इट्स अ कॉरल पिंक शेड, बहुत खूबसूरत है, और ये ब्लेंड होके भी बहुत मज़े का लगेगा, ये देखिए।
मतलब नेचुरल और ऐसे ग्लॉसी सी लुक आती है। ये खुलता भी है लेकिन मुझे मुझे पता नहीं खोलना नहीं आ रहा। खैर ये इस तरह से, बाय द वे ये ओपन होता है, रोटेट होता है तो ये स्टिक बाहर आ जाती है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड इट्स वेरी प्रिटी, लाइक आई लव इट, लव द शेड। 06 डॉटिंग इसका जो है ना वो शेड है। सिंगल प्राइसेस इनकी क्या है मुझे याद नहीं है क्योंकि इकट्ठी खरीदी थी चीज़ें। उसके बाद जनाब ये O2O की ये कंटोर स्टिक है, इसकी एक तरफ कंटोर है दूसरी तरफ हाईलाइट है। एंड आई मस्ट से दैट इतना यमी जो है ना वो मैंने कंटोर आज तक नहीं देखा, इतना यमी और कह लें कि इजी टू ब्लेंड है और कलर भी बिल्कुल परफेक्ट है। ये इजीली आप मतलब ये इतना खासकर जो फेयर स्किन टोन है उन पे तो इतनी कंटोरिंग वो डार्क वाली अच्छी भी नहीं लगती, तो ये बहुत मज़े से जो है ना ब्लेंड होता है। ये देखें इजीली मतलब बहुत बटरी जो है ना वो रहा। अब ये जी हाइलाइटर है एक तरफ, ठीक है, इसकी भी स्टिक मैं आपको दिखा देती हूँ, उतनी है क्वांटिटी इसकी। तो ये स्टिक है, अब इसको अगर हाइलाइट करना हो तो लेट जस्ट इसी पे ही कर लो। ये हाइलाइटिंग शेड है, सेपरेटली आप इसको देखो तो ये वाइट सा ना हाईलाइट करने के लिए, तो इट्स अ वेरी क्रीमी वेरी बटरी। मैंने इनको जो है वो यूज़ किया है, दे आर वेरी गुड प्रोडक्ट्स। लाइक मुझे लगता था शायद कोरियन ब्रांड है, सूट ना करे। अच्छा जी ये मस्कारा है इसका, इसका कुछ इस तरह का वॉन्ड बना हुआ है। अच्छा मस्कारे की बात करूँ, मस्कारा अच्छा है इनका, लेकिन जो एसेंस का लैश प्रिंसेस मस्कारा ना फिर भी मुझे उसकी वर्थ का नहीं लगा, वो ज़्यादा बेस्ट है एज़ कम्पेयर दिस। ये भी बहुत अच्छा आपके लैशेस को वॉल्यूम प्रोवाइड करता है, लेंथ प्रोवाइड करता है, लेकिन उस जैसा अभी तक मुझे ये भी नहीं लगा। मतलब इट्स नाइस लेकिन उसकी वर्थ का नहीं है। ओके जी ये खूबसूरत सा जो है ना स्लीक सा ये आई लाइनर है, ठीक है, और ये देखें जी इट्स अ जेट ब्लैक और इजीली आप इससे विंग क्रिएट कर सकते हैं। ये इसकी इसकी बहुत बारीक सी इसकी जो है ना वो टिप है, इट्स अ वेरी नाइस। सो ये आईलाइनर है। अब लास्ट पे हम कंसीलर की बात करते हैं, तो ये है जी फुल कवरेज कंसीलर, देखते हैं कितनी कवरेज का। मैं इसीलिए रुक गई थी, मैंने कहा इसी पे ट्राई करते हैं कि कितनी कवरेज है इसकी। डार्क सर्कल्स क्या इजीली हाइड करेगा किया नहीं, ये इस पे ब्लशेज हैं मैंने किया हुआ है तो इसीलिए। तो लेट जस्ट चेक, वो इट्स अ रियली हाई कवरेज, नो डाउट इट्स अ हाई कवरेज, क्योंकि मैंने लाइनर लगाया हुआ था यहाँ पे, इसने उसको भी हाइट कर दिया। प्लस ये मेरा यहाँ पे छोटा सा कट है, मतलब कट से मुराद ये बर्न हो गया था, मैं इस पे लगा के चेक करती हूँ, यहीं से ही लेके मैंने ज़्यादा ही लगा लिया। वो नाइस इसने कवर कर दिया, ज़बरदस्त। सो इट्स नाइस, अच्छे से मुझे इतना पता आपके अच्छे से डार्क सर्कल्स को या आपकी जो पिगमेंटेड एरियाज हैं उनको कवर कर देगा। अच्छा नॉट वेरी मच लेकिन अच्छी अमाउंट में कर देगा, इट्स नाइस। अब बात करते हैं इसकी। ये जनाब ये साथ में गिफ्ट आया था, ये बिल्कुल भी ऑर्डर नहीं किया बट उन्होंने गिफ्ट दिया था साथ में। इसका कुछ शेड इस तरह से है, इट्स अ ब्यूटिफुल आई थिंक टिंट है ये, क्योंकि मैंने इनको ऑलरेडी मंगवाया हुआ था। इट्स अ ब्यूटिफुल रेडिश टिंट, तो इसको जब आप ब्लेंड करोगे तो इट्स का ये शेड बनेगा। ये साथ में गिफ्ट है, या इट्स अ लिप एंड चीक टिंट, और आपको पता है फोकोलियर के प्रोडक्ट्स हाउ मच आई लव, ये उसकी जो है वो है आई मीन कलर, इट्स नाइस। ये तो ब्लश बन गया, वैसे आप इसको एज अ ब्लश भी ऐसे कंसीलर के साथ मिक्स करके आप ये देखें कितना प्यारा पिंकी नेचुरल ब्लश बन गया। आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब इन्हीं मेकअप से आप अपनी मर्जी से चीज़ें कस्टमाइज़ करके बना सकते हो। मैंने इसमें थोड़ा सा कंसीलर मिक्स किया है तो ये पिंक नेचुरल कलर बन गया, इट्स नाइस। सो जनाब ये थे आज के प्रोडक्ट्स रिव्यू, मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड। O2O इनकी तीन चार वेबसाइट्स हैं और जो है ना मैं इनमें से कोई एक मेंशन कर दूंगी जहाँ से मैंने बाय किया है, तो आप लोग जाके चेक कीजिएगा। 5,000 के इन पर सेल चल रही थी, 5,000 के एक दो तीन चार पाँच छः छः प्रोडक्ट्स मिले। आई थिंक ये इतने मतलब एक्सपेंसिव नहीं है, अच्छी साइड है, तो गो फॉर इट, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। और मैं इंशाल्लाह नई वीडियो में मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।